हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। ये आज का हमारा संडे क्यू एन ए, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो मैं रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे कुछ इन्फॉर्म्ड व्यूअर्स भी है जो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ पर्सनली, लेकिन कभी कभार जो है क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन का आंसर जो है एक साथ देना पॉसिबल नहीं है। फिर भी उसमें जो सिलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस है जो सबको बेनिफिशियल होंगे, वो यहाँ पे लाने की मैं कोशिश करता हूँ। हर बार जो है थोड़ा बहुत अलग कुछ यूनिक क्वेश्चन जो है उसको लाने के यहाँ पे मेरी कोशिश होती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा संडे की वने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सैम ने, बोलते हैं क्या आप ट्रेडिंग करते हो, ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में पूछ रहे हैं। बोलते हैं अप स्टॉक्स जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और बोलते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये सही तरीका है अपना करियर जो है वो शुरू करने का, और इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है आपका विद रिगार्ड्स टू आर रिलीजन, यानी कि इस्लाम जो रिलीजन है उसके मुताबिक जो है आपको क्या लगता है कि ये सब करना सही है कि नहीं, जायज़ है कि नहीं। देखिए अपस्टॉक जो एप्लीकेशन है बिल्कुल भी जेन्युइन एप्लीकेशन है, मैंने बीच में आप लोगों को जो है बताया भी था उसके बारे में। उससे आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना जो है इट इज़ परमिसेबल इन इस्लाम, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, अगर आप उसके अंदर सही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो। अगर आप शराब से रिलेटेड अल्कोहल वाली कंपनीज या फिर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन वगैरह दे हैं उनमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो चीज़ वहाँ पे परमिसेबल नहीं है। अदरवाइज़ कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल है, कोई कपड़े का मैन्युफैक्चरर है, उसके कंपनी में आप स्टॉक ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करना यानी कि कंपनी में इन्वेस्ट करना, और कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका पैसा जो है वो भी वहाँ पे लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो बिजनेस है बिल्कुल भी परमिसेबल है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोई रिलीजियस स्कॉलर को भी आप पूछ सकते हो। रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उनमें से किस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप बात करें मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं नाम भी लेके बता देता हूँ आपको, जैसे ईबिज टाइप का। अगर आपने ईबिज के बारे में सुना है तो उस टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसके अंदर शायद आप पैसा बना लेंगे लेकिन इज्जत जो है वो खो देते हैं, क्योंकि अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उनके पीछे लग जाते हैं कि आओ हमारा नेटवर्क ज्वाइन करो, और फिर वहाँ पे वो लोग जो आपसे चिढ़ने लग जाते हैं। तो ये मेरे थॉट्स हैं इन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन है फैसल का, ये बोलते हैं मेरे आईफोन 8 प्लस पे जब भी व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो पहले तो है कनेक्टिंग आ जाता है, उसके बाद जो है उनका वोडाकॉम नेटवर्क है वो यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट ओपन होता है, और सेम जो भी पिक सेंड करते हैं तो उस टाइम पे सेंडिंग में भी टाइम लगता है और डाउनलोडिंग में भी टाइम लगता है। देखिए ये सब के साथ आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, आप कहाँ से है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इंडिया की बात बताता हूँ, हम लोग को भी जो है नेटवर्क का यहाँ पे बहुत इशू आ रहा है। मैं जियो यूज़ करता हूँ, एयरटेल यूज़ करता हूँ, किसी पे भी व्हाट्सएप यूज़ करूँगा तो उस टाइम पे जो है छोटा सा एक इमेज फाइल भी होता है वो भी डाउनलोड नहीं होता, वो भी बफर होते रहता है और बहुत देर के बाद जो है डाउनलोड होता है। पता नहीं क्या हाल बना के रखा है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, बिल्कुल भी जो है मोबाइल नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करता। और अभी जो ये नया गिमिक लेके आए ये लोग वाईफाई कॉलिंग का, कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सही नहीं है। वाईफाई कॉलिंग करने के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं फेस कर रहा हूँ, कि वाईफाई कॉल्स के दौरान जो है सामने वाले की आवाज़ बीच में आती नहीं, और उसके बाद ऐसे आ जाती है जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड में किसी ने मूवी चला दिया या ऑडियो क्लिप चला दिया, मतलब इतना सारा जो उनका वॉइस का डेटा है वो एक साथ फ़ोन के ऊपर फायर हो जाता है। तो वाईफाई कॉलिंग भी जो है इतना इफेक्टिव अभी तो नहीं लग रहा है, हो सकता है आगे जाके इम्प्रूव करे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल का नेटवर्क जो है ये इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेट सर्विसेज जो है इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, फिलहाल जो है बहुत ही पुअर चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। अगला क्वेश्चन है वकास का, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं, पता नहीं इसमें क्या ऐसी डिफिकल्टी आ जाती है लोगों को। बोलते हाउ टू कनेक्ट आईफोन विथ लैपटॉप, प्लीज़ गाइड अस स्टेप बाय स्टेप, हाउ कैन वी ट्रांसफर वीडियो फ्रॉम आईफोन टू लैपटॉप। देखो आईफोन से लैपटॉप पे या विंडोज़ पीसी पे जो है कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए आपको iTunes की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपका जो लाइटनिंग केबल है अपने आईफोन को अनलॉक करो और अपने विंडोज़ पीसी के साथ उसको कनेक्ट कर लो, वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, जो डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाएगी, वो विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको आपके आईफोन के सारे फाइल्स देखने को मिल जाएंगे मीडिया वाले, और वहीं से आप जो है कॉपी करके पेस्ट अपने पीसी में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है AK10 का, बोलते हैं सर मेंबरशिप आइकन कभी आएगा। देखिए मेंबरशिप जो चैनल की होती है उसको आपको एवरी मंथ पे करना होता है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो व्यूजर्स होते हैं जो चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो वो चीज़ मैं एनेबल कर सकता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। जब मैं ग्रैंड हयात मुंबई में गया था, एक होटल है जहाँ पे यूट्यूब का एक इवेंट हुआ, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमको समझाया कि मेंबरशिप जो है उसके बहुत फायदे हैं, आपके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल पब्लिक के लिए मैं वीडियोज बनाता हूँ उसके लिए ही मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो अगर आपको मेंबर बना लूंगा मैं चैनल का, हाँ आपको हो सकता है आइकन मिल जाए, आपको थोड़ा उसमें जो है अपना ही लगे, लेकिन एवरी मंथ आपका पैसे जाएगा और उस पैसे के रिटर्न में शायद मैं आपको कोई स्पेशल चीज ना दे सकूं, इसलिए मैं चैनल की मेंबरशिप जो है अभी तक मैंने ऑन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शादाब का, ये बोलते हैं मुझे एक आईफोन 7 प्लस मिल रहा है 256 GB का 22,000 रुपए में, लेकिन उसका बिल और बॉक्स नहीं है, क्या लेना चाहिए या नहीं। देखो जो लोग भी आजकल विदाउट बिल वाले आईफोन परचेज करते, मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग जेन्युइन जो है सेलर्स होते हैं
उनका आईफोन को बेचना होता है, लेकिन उनके पास जो है बिल नहीं होता, कभी गुम जाता है। हम लोग इतने साल जो संभाल के नहीं रख सकते छोटी छोटी चीज़ों का बिल, लेकिन उसमें एक रिस्क भी होता है। जैसे मैंने बीच में एक वीडियो बना के आप लोग को बताया था कि गवर्नमेंट ने जो नया तरीका निकाला है कि कोई भी आईफोन को, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन को आप जो है ब्लैकलिस्ट कर सकते हो अगर आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस है और आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो तो अगर आप इस टाइप का परचेज करते हो तो कोशिश कीजिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में ना हो, आप उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करें। इसका मतलब ये नहीं कि OLX पे देख लिया तो डायरेक्टली आपने पैसा ट्रांसफर कर लिया। जब आप उनको मिलेंगे तो उस टाइम पे एक हाथ से फ़ोन लो, चेक कर लो आपको सही लग रहा है, तो बैंक अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफर कर दो, तो उससे एक रिकॉर्ड आ जाता है आपके अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर कि आपने इस बंदे को पेमेंट किया था। और दूसरी बात, आप ये चीज़ कर सकते हो कि उनसे एक पेपर पे लिखा के ले सकते हो कि हाँ, मैंने इस फला बंदे को, इस पर्सन को जो है मैंने अपना फ़ोन बेचा है जिस पे IMEI नंबर ये है, उसकी थोड़ी डिटेल्स आप लिखवा के ले सकते हो और उनका कोई फोटो आईडी का जो है फोटो कॉपी उसके साथ अटैच करके उसका सिग्नेचर ले सकते हो उन पे, तो ये चीज़ आपके लिए एक सेफ्टी वाला चीज़ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसामा अंसारी ये बोलते हैं, आईफोन 10 सीरीज में फेस आईडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ आईफोन 10 सीरीज नहीं, किसी भी आईफोन फेस आईडी वाले में फेस आईडी ख़राब हो सकता है, उसके जो है मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। और दो जो मेन रीज़न है वो ये है कि इम्पैक्ट, अगर बहुत ज़ोर से आईफोन गिर जाए कहीं पे, उसके फेस आईडी के जो स्ट्रिप्स होते हैं अंदर वो होते हैं नाजुक, बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस केस में जो है उसका फेस आईडी ख़राब हो सकता है। और दूसरा रीज़न है वाटर डैमेज, पानी में अगर आईफोन जो है बहुत लोग डुबा देते हैं, स्विमिंग पूल में लेके कूद जाते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं, वहाँ पर पानी एंटर कर जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके फेस आईडी को ख़राब कर देता है। ये दो रीज़न है आईफोन फेस आईडी वाले के अंदर जो है फेस आईडी का खराब होने के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाप गेमिंग का, ये बोलते हैं मुझे व्लॉगिंग का चैनल शुरू करना है, एक एंड्रॉइड यूजर है, सैमसंग का A50 है, उसका टच वगैरह खराब है, व्लॉगिंग के लिए वो क्या iPhone 6s ले सकते हैं क्या? 4 महीने की पॉकेट मनी सेव करके उन्होंने आधा पैसा जमा कर लिया है, घर वालों से कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहते, क्या उनको iPhone 6s जो है वो लेना चाहिए? सैमसंग का जो A50 आपके पास है उसके मुकाबले iPhone 6s का फ्रंट फेसिंग कैमरा का जो वीडियो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इनफैक्ट ये रेंज के जो 10 से 15,000 के कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन ले लेंगे आप, उसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है उससे मच बेटर आपको देखने मिलेगी iPhone 6s की फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। तो बिल्कुल आप व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी फ़ोन है उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा इतना वाइड नहीं होता कि व्लॉगिंग के लिए एकदम प्रॉपर हो जाए। तो इस टाइप का एक छोटा आप ट्राईपॉड और मोबाइल का माउंट आप ले सकते हो, ज़्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप इस पे फ़ोन जो है माउंट करके ऐसा दूर रखेंगे तो काफ़ी वाइड एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। ऐसा करके जो है आप ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना एक व्लॉगिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र भेनवाल का, ये बोलते हैं सऊदी अरेबिया में रह रहे और वहाँ पे एप्लीकेशन उन्होंने वुड्स प्रो को डाउनलोड किया था, उसके बाद उस एप्लीकेशन ने उनको कुछ मोबाइल पे OTP भेजा जो उन्होंने एंटर किया, उसके बाद जो है 65 हलालास उनका यानी कि 0.65 सऊदी रियाल एवरी मंथ जो है उनका कट होने लगा उनका जो मोबाइल ऑपरेटर है उसके ज़रिए से, और वो अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो उस एप्लीकेशन ने उनको बोला कि एक ब्लैंक मैसेज भेजो एक पर्टिकुलर नंबर पे, अब उन्होंने भेजा लेकिन अनसब्सक्राइब नहीं हो रहा, उनका पैसा जो है हर महीने डिडक्ट हो रहा है जबकि वो एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करे, तो उनको क्या करना चाहिए? तो नरेंद्र जी, आपको ये करना चाहिए कि आपका जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसके कस्टमर केयर नंबर पर आपको कॉल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए इस सर्विस के बारे में, और बताना चाहिए कि आप नहीं चाहते उसके लिए पे करना और आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं। अब वो लोग ही जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं इस टाइप की सर्विस से अनसब्सक्राइब करने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइम रोज का, ये बोलते हैं कि रेवा के लिए जो एप्पल के डिवाइस को हार्डवेयर करने में एक नंबर है वो इंडिया में कब आएगा? रेवा टेक्नोलॉजीज जो एक कंपनी है ये बहुत ही अच्छे हार्डवेयर बनाती है जो कि आईफोन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। जेरी रिग एवरीथिंग का अगर आपने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने आईफोन का बैक ग्लास रिप्लेसमेंट का वो लेज़र कट वाली टेक्नोलॉजी बताया, तो वो रेवा की है और रेवा टेक्नोलॉजी का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे लोग बताते हैं कैसे करना है सारी चीज़ें। इंडिया में क्या है ये सारी चीज़ें लाना मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि आप इंपोर्ट करेंगे उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है। हो सकता है किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के पास उनकी टेक्नोलॉजी हो इंडिया में, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन अगर डिमांड होगा तो ज़रूर कोई ना कोई उसमें इन्वेस्ट भी करेगा अगर उसको उतने अच्छे रिटर्न आए तो। अगला क्वेश्चन सत्यम शुक्ला ने पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोलते क्या फ्यूचर में एप्पल अपना जो iOS सॉफ्टवेयर है वो किसी दूसरी स्मार्टफोन कंपनी को सेल कर सकता है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो आईफोन की सेल्स पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी एप्पल जो है ऐसा स्टेप नहीं उठाने वाला, ये चीज़ जो है उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पैसे जनरेट करने वाला मॉडल बन सकती है। iOS अगर एप्पल बेचना चाहे तो लोग जो है ख़रीदने के लिए उसको लाइन लगा लेंगे और बहुत पैसा एप्पल जो है उससे कमा सकता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट कमाता है अपने विंडोज़ से। लेकिन उस केस में क्या होगा, सारी जो मोबाइल कंपनीज है उनको अपना मोबाइल का हार्डवेयर भी जो है उसके हिसाब से ट्विक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। एप्पल क्योंकि खुद के चिपसेट वगैरह बनाता है, खुद का बहुत ज़्यादा हार्डवेयर बनाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन बना सकता है, इसलिए जो है 4 GB की रैम में भी आईफोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली एंड्रॉइड के जो फ्लैगशिप फोन होते हैं
उनमें 12 GB का, 16 GB का रैम, पता नहीं कितने कितने जीबी का रैम उनको देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इलैंगोवन नागराजन का, ये बोलते हैं कि आईपैड ओएस में अपडेट तो आ गया और बहुत सारे उन्होंने वीडियोस भी देखे कि एप्पल के अलग अलग एक्सेसरीज लाइटनिंग वाले, जैसे कि लाइटनिंग टू यूएसबी कैमरा अडैप्टर और बाकी सारी चीज़ें जिससे हम एचडी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह जो है आईपैड में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे केबल्स जो है अब्रॉड में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल क्यों नहीं है? देखिए इंडिया में भी अवेलेबल है, अगर एप्पल के ऑथोराइज रीसेलर्स के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो चीज़ देखने मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में उसके इतने बायर्स नहीं है। फॉरेन में जो है बहुत सारे लोग, ये iOS का जो इकोसिस्टम है, मैं मैक ओएस की बात भी नहीं कर रहा हूँ, iOS के इकोसिस्टम के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे iPad पे एडिटिंग, तो यहाँ पे मुझे जो है उसका बहुत काम आता है। और मैंने जो SD कार्ड रीडर है, लाइटनिंग टू SD कार्ड रीडर एप्पल का ओरिजिनल, वो अमेजोन से मंगाया था, लेकिन क्या हो गया था, मुझे कंप्लेन करनी पड़ी उसके अगेंस्ट, क्योंकि 2200 रुपये उसकी MRP थी और अमेजोन पे जो सेलर था उसने चार्ज कर लिया मुझे 2700 रुपये, तो अमेजोन ने मेरा बाकी का पैसा रिफंड कर दिया और उस सेलर को अमेजोन से बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओम भोजवानी का, ये बोलते वीवो V9 है मेरे पास, उसमें कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करेंगे तो सारे परमिशन मांग देता और नहीं देंगे अगर उसमें से कोई भी परमिशन, तो वो एप्लीकेशन चलता नहीं है। बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, और ये एंड्रॉयड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन जो है किसी भी टाइप की परमिशन आपसे मांग लेता है, जैसे कि शेयरड अगर आप डाउनलोड करते हो तो फ़ोन कॉल को मैनेज करने की भी परमिशन वो मांग लेता है, और उसको अगर आप वो परमिशन नहीं देंगे तो वो ठीक से काम नहीं करता, तो ये बहुत ही गलत बात है और ये नंबर वन रीज़न है क्योंकि एंड्रॉयड की सेफ्टी और सिक्योरिटी इसी वजह से जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जबकि iOS में अगर आप देखेंगे, अगर कोई एप्लीकेशन जरूरी तो ज़्यादा परमिशन मांगते नहीं, अगर मांगता भी है और अगर आप उस परमिशन को डिक्लाइन कर देते हो जो उससे नेसेसरी नहीं है एप्लीकेशन को चलाने की, तो बिल्कुल भी वो एप्लीकेशन जो है अच्छे तरीके से काम करेगा। सिमिलरली एंड्रॉइड का और iOS का आप शेयरड भी देखेंगे तो शेयरड में एंड्रॉइड के अंदर इतने गंदे गंदे एड्स आते हैं और इतने गंदे गंदे पॉपअप्स आते हैं कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर के फ़ोन के अंदर वो चीज़ रख भी नहीं सकते हो, और अगर आपके फ़ोन में उन्होंने देखा तो सोचेंगे आप क्या कर रहे हैं, पता नहीं। iOS में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों नितिन गाल मोड़े ने, और ये जो है ये सेल बडी से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने जो है लास्ट के 5 मिनट सेल बडी के ऊपर बोल दिया था बहुत कुछ, और आपको ये भी बोला था कि उसके ऊपर जो भी आपके सजेशन है वो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देना, ताकि सेल बडी वाले उसको रीड करें, और मैंने उनको भेजा भी वो वीडियो रीड करने के लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं आपका जो कंसर्न है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सेल बडी जो है अपने सर्विसेज को इंप्रूव करेगा। उन्होंने रिसेंटली एक एप्पल वॉच सेल बडी से खरीदी, लेकिन खरीदने के बाद उन्होंने सेल्स पर्सन को जो है पूछा कि उस वॉच को कैसे यूज़ करें, तो उस सेल्स पर्सन का रिप्लाई ये था कि कॉल आया तो उठाओ और क्या कर लोगे घड़ी से। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है और बाकी सारे क्वेश्चंस ये मैंने सेल बडी वाले को बताया, इनफैक्ट सेल बडी के जो ओनर है वो वीडियो देखने के बाद वो खुद आए मुझसे मिलने के लिए मेरी जगह पे, और काफ़ी जो है ट्रैवल करके, मतलब सेल बडी से मैं जो है एटलीस्ट 3-3.5 घंटे जो है दूर रहता हूँ, बाइक कार ट्रेन से भी जाएंगे तो उतना ही है, तो यहाँ पे वो आए, वो उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने जो भी था मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो भी है उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, और मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग अपने सर्विसेज इंप्रूव करें, और आपका ये कमेंट भी मैंने उनको दिखाया, तो उनका जवाब ये है इस चीज़ के लिए जो आपका पर्टिकुलर कमेंट है नितिन के, एक घड़ी से आप क्या कर लोगे, इनके पास जो स्टाफ है उन्होंने बताया कि वो प्रोफेशनल और ट्रेंड स्टाफ नहीं है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स के जो मोबाइल और जो कुछ भी लोग सेल करें उस पर मार्जिन उन लोगों को कम मिलता है, वो लोग सस्ते में बेचना चाह रहे हैं, इसलिए जो स्टाफ वो लोगों ने अपॉइंट किया है वो काफ़ी कम सैलरी पे काम करने वाला स्टाफ है, जैसे कि 7-10 हज़ार रुपये में। अब 7-10 हज़ार रुपये पर मंथ में जो काम करने वाला इंसान होगा वो इतना नॉलेजेबल नहीं होगा, अगर वो इतना नॉलेजेबल होगा तो आराम से उसको 30-50 हज़ार रुपये उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो ये नंबर वन रीज़न है। तो मैंने उनको बोला है, फिर भी आपके जितने कॉमेंट्स हैं सब उनको बता दिए और उन्होंने भी चेकआउट किया, आपने देखा भी होगा उनके एक आईडी से जो है नीचे कमेंट आया बहुत लोगों के, आप हमारे नंबर पे कॉल करो हम सॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ा है हमारे वीडियो का, और वो आए थे उन्होंने बोला, तो मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया है कि आप जो है सर्विसेज इंप्रूव करो, जरूर आपका वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स को व्यूअर्स को परचेज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक सर्विसेज इंप्रूव नहीं होंगे तब तक जो है आप एक्सपेक्ट मत करो मेरे से, क्योंकि आपका जब रेपुटेशन खराब होता है तो उसके साथ साथ मेरा भी रेपुटेशन खराब होता है, क्योंकि मैं आपके तरफ जो है वो ट्रैफिक भेज रहा हूँ, तो उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया कि हाँ स्टाफ वो बढ़ाएंगे, स्टाफ को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे और iOS के लिए पर्टिकुलरली एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इंटरेक्शन जो आपका उस स्टाफ से उनके मिनिमम हो, और मिनिमम इंटरेक्शन के अंदर जो है आप परचेस कर सको, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है यूज़र एक्सपीरियंस वो ख़राब ना हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनन का, ये बोलते हैं कि विच वॉलेट भीम एप्लीकेशन फ़ोन पे कौन सा है जो बेस्ट है सेफेस्ट है iOS के लिए।
देखो मैं जो है इस्तेमाल करता हूँ पेटीएम और गूगल पे, उसके अलावा मैं कोई वॉलेट जो है इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और वॉलेट एक्चुअली मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मैं बस भीम यूपीआई जो है उसके अंदर जो फंक्शन है यूपीआई वाला वो इस्तेमाल करता हूँ। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, सेफ भी उतना ही है, अनसेफ भी उतना ही है, एंड्रॉइड क्या iOS क्या, और ये सब यूपीआई से मेरे को थोड़ा डर ही लगता है क्योंकि बैंक में अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, कभी कोई उड़ा के ना ले जाए। वैसे अभी लग तो रहा है कि सेफ है, लेकिन आने वाले आगे दिनों में पता चल जाएगा कि कुछ फ्रॉड व्रॉड होता है कि नहीं इसके चक्कर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनील नथानी का, ये बोलते हैं कि 1.5 GB का इनको एंड्रॉइड 10 का अपडेट आ गया नोकिया के 6.1 में 8 जनवरी 2020 को, एप्लीकेशन परमिशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं अब ये सेटिंग्स के अंदर, और ऐप नोटिफिकेशंस वगैरह जो है परमिशन मैनेजर में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर नबील ओनली एप्पल इज कंसर्नड अबाउट यूजर सिक्योरिटी। देखो अभी आपको आया है, अब यूज़ करना शुरू करो, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप, अभी 8 जनवरी 2020 में आपको ये चीज़ें मिल रही है जो हमारे पास कब से है iOS के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है और ये बात फैक्ट है। और आप ये देख लो कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट आपको आया है नोकिया 6.1 में, क्या आप सारे जो डिवाइसेस सारे एंड्रॉयड के डिवाइसेस है सब पे क्या एंड्रॉयड 10 का अपडेट आ गया है, क्या उनको वो सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी जो आपको एंड्रॉयड 10 में मिलेगी जो आपके नोकिया डिवाइस पे है, और कितने साल तक आपको अपडेट आएगा इसके बारे में भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जयदेव जी का, बोलते हैं आईफोन 2 गुड से सही रहेगा सुपर कंडीशन में या सेल बडी से सही रहेगा। देखो 2good.com से भी आप ले सकते हो, सेल बडी से भी आप ले सकते हो, इनफैक्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम 2good का ये है कि वहाँ पे आप किसी पर्सन से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो और ऑर्डर कर रहे हो और ऑर्डर आपके घर पे आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका जो वेबसाइट है उसका स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके रिफंड रिटर्न जो भी आपको करना है करेंगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशन बैठेगा तो वो चीज़ वो करेंगे। सेल बडी का एक फिजिकल स्टोर है, 2good का कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, तो आप आ जाके उनसे विजिट करके झगड़ा करिए, कुछ भी चेंज करा नहीं सकते, या फिजिकली जाके आप उनको कन्विंस भी नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम आता है 2good में, वरना 2good से भी आप ले सकते हो, लेकिन रिव्यूज जो है 2good के मुझे काफी खराब भी दिखे हैं, कुछ अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर के जो है वो खराब है, अब आपकी मर्जी आपको कहां से परचेस करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किंग फैजान का, बोलते हैं 1+7 से आईफोन 10 पर रिसेंटली शिफ्ट किया है, 36,500 में 128 GB iPhone XR मिला है जो कि 8 महीने पुराना है, जो कि बहुत अच्छी डील आपको मिली है, तो बोले लेकिन उसका जो बैटरी परसेंटेज है 8 महीने यूज़ करने के बाद भी वो 100% पे है, तो क्या ऐसे कोई चांसेस है कि फ़ोन जो है ओपन किया गया उसकी बैटरी रिप्लेस करी गई है और फ़ोन जो है वारंटी में है। देखो फ़ोन ओपन किया गया है नहीं किया गया इसका पता जो है आपको एप्पल के सर्विस सेंटर पर विजिट करेंगे तो वो लोग भी बता सकते हैं, और आपको फ़ोन को देख कर भी पता चल जाएगा कहीं कुछ छोटा मोटा मार्क है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है फ़ोन आपका ओपन नहीं किया गया है। ऐसे बहुत लोग के डिवाइसेज होते हैं जो कि 8 महीना 9 महीना साल भर यूज़ करने के बाद भी जो है 100% बैटरी हेल्थ पे रहते हैं। मेरे फादर जो आईफोन 7 यूज़ कर रहे हैं उसकी भी बैटरी हेल्थ आज 1 साल हो गया उनको यूज़ करते करते 100% पे मेंटेन्ड है, जबकि मैं अपने फ़ोन की नहीं रख पाता क्योंकि नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल्स जो होते हैं उस पर आपकी बैटरी हेल्थ डिपेंड करती है, जितने बार आप चार्ज करेंगे डिस्चार्ज करेंगे चार्ज करेंगे डिस्चार्ज करेंगे उतने बार, तो उनका यूज़ ऐसा है कि सुबह से रात तक उनका आईफोन 7 की बैटरी चल जाती है, तो उतने चार्जिंग साइकिल उनके हुए नहीं, तो 100% पे उनकी बैटरी लाइफ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजाज का, ये बोलते हैं एप्पल इंडिया वारंटी और एप्पल ग्लोबल वारंटी के अंदर क्या फ़र्क है। कोई भी फ़र्क नहीं है क्योंकि एप्पल जो है पूरी दुनिया में अपने फ़ोन्स के ऊपर वारंटी दे रहा है, आप इंडिया से परचेस करेंगे तो भी वो ग्लोबल वारंटी है, आप यूएई से परचेस करेंगे तो भी वो ग्लोबल वारंटी है, कहीं भी जाके जो है आप उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा दोनों वारंटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुर्तजा का, ये आईफोन 11 लिया है इन्होंने, 96% बैटरी हेल्थ हो गई है, सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने मेरे वीडियो के फॉलो किए, लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पा रहे अपने फ़ोन को क्योंकि बैटरी हेल्थ बार बार जो है ढूंढते रहते हैं डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो यार कभी भी अपना फ़ोन आप इस्तेमाल करोगे, आप एक चीज़ पर्टिकुलर पकड़ के चलोगे तो आप कभी भी अपने फ़ोन को एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा बोलना आपको यही है कि फ़ोन को हीट होने मत दो, अच्छे तरीके से उसको यूज़ करो, जितना हो सके उसको हीट से बचाओ, जितना हो सके उसकी बैटरी जो है वो 0% होने से बचाओ, बाकी जो है रेगुलर तरीके से आपके फ़ोन को यूज़ करो। फ़ोन लिया अपने एंजॉय करने के लिए, पूरा टाइम बैटरी हेल्थ को देखते रहोगे तो कभी भी फ़ोन एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर बैटरी हेल्थ जो है मैं तो बोलता हूँ एप्पल को हटा देना चाहिए क्योंकि लोग जो है जनरली उससे जो इन्फॉर्मेशन पाने की जगह एक्चुअल में परेशान होते रहते हैं और फ़ोन को एक्चुअल में यूज़ नहीं कर पाते। बैटरी हेल्थ का फीचर एप्पल हटा ही दे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बैटरी हेल्थ आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में आपकी बैटरी कंडीशन क्या है। एक आदमी ने तो मेरे से झगड़ा कर लिया कि भाई एंड्रॉइड के फ़ोन में बैटरी हेल्थ कम ही नहीं होती, सिर्फ आईफोन में बैटरी हेल्थ कम होती है। बैटरी जो है कोई भी हो, गाड़ी की हो, एंड्रॉइड की हो, आईफोन की हो, उसकी हेल्थ कम होना ही है, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है चार्ज डिस्चार्ज साइकिल जो है उसकी वजह से कम होती है, बस यहाँ पे आईफोन में आपको बता रहा है जो आपके सर का दर्द बन गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इरफान अहमद का, और ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के दिल में आता है कि iPhone XS Max लेना चाहिए iPhone 11 या iPhone XS लेना चाहिए iPhone 11। सीधा सीधा सिंपल आंसर है iPhone 11 ही लेना चाहिए, नया चिपसेट है, नए कैमरास है, बहुत ही बेहतरीन कैमरास है, बेटर साउंड क्वालिटी है, बेटर ऑडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली एक्सेप्ट और OLED डिस्प्ले, जो कि मेरे हिसाब से आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लो, जिस एप्पल स्टोर में जाना है जाके देख लो,
आईफोन 11 का जो डिस्प्ले है आपको उसके सामने बिल्कुल भी फीका नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी ब्राइटनेस कम नहीं लगने वाली, कोई भी आपको जो है परेशानी वहाँ पे नहीं आने वाली है। आईफोन 10s 10s मैक्स की जो ब्राइटनेस है मैक्सिमम पैनल की उसके ओलेड वाले की वो है 625 निट्स और आईफोन 11 की भी है 625 निट्स। अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं है जाओ शॉप में जाओ, दोनों फ़ोन को साइड बाय साइड कंपेयर करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आईफोन 11 का जो डिस्प्ले है वो ख़राब नहीं है। आपको अगर जाना है इन दोनों फोन के बीच में 10s मैक्स और 11 के बीच में तो मेरा सजेशन आपको 11 ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केतन सिंह का, बोलते हैं कि आईफोन 5s जैसे पुराने आईफोन जो पुराने iOS वर्जन पे चल रहे उनकी सिक्योरिटी और आईफोन 11 जैसे नए आईफोन की सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर आप सॉफ्टवेयर वाइज पूछ रहे हो तो सिक्योरिटी में डिफरेंस इतना नहीं होता क्योंकि आईफोन 5s जो iOS 12 पे चल रहा है उसको भी एप्पल जो है आज भी सिक्योरिटी के अपडेट्स दे रहा है, लेकिन हार्डवेयर के ऊपर आप पूछ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जितना नया आईफोन होगा उतना ज़्यादा सिक्योर होगा वो हार्डवेयर वाइज, और सबसे सिक्योर जो आईफोन्स है वो A12 बायोनिक चिपसेट और उसके ऊपर A12 A13 पे चलने वाले जो आईफोन्स है वो सबसे सिक्योर है, और A11 से लेके पुराने जितने भी आईफोन्स है वो उतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है हार्डवेयर वाइज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आनंद पटेल का, इनके पास आईफोन 8 है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हैं लेकिन इनके घर में जो इंटरनेट है वो जियो का है एयरटेल का, तो बोल रहे कि वाईफाई कॉलिंग कर सकते कि नहीं। वाईफाई कॉलिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके फोन में जो सिम कार्ड है, आपके फोन में जो सिम कार्ड आपने डाला हुआ है वो वोडाफोन का नहीं चाहिए आपको, वो जियो का या एयरटेल का होगा, तो ही वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट करेगा। वाईफाई कॉलिंग जो है वाईफाई के जरिए से आपके कॉल को राउटिंग करता है, वो सिर्फ जरिया है, वाईफाई जो है कॉल को जानेगा, कॉल लगेगा आपके सिम कार्ड के थ्रू ही, यानी कि उस नंबर से ही जो जियो का या एयरटेल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनीष चौधरी का, बोलते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स है इनके पास, काफी ज्यादा हीट हो जाता है, 18 वाट का फास्ट चार्जर जो इंक्लूडेड है वो इसको यूज करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 18 वाट के फास्ट चार्जर से बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, जो कि होता है, 18 वाट के फास्ट चार्जर आईफोन के आते हैं वो आईफोन को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं चार्जिंग करने पर, और चार्जिंग के टाइम पे हीट होना है, किसी भी टाइम पे हीट होना बैटरी का दुश्मन है, तो आप क्या कर सकते हो, जब कभी आपको जरूरत है फास्ट चार्जिंग की तभी आप उसको यूज करो, अदरवाइज स्लो चार्जर जो होगा 5 वाट वगैरह का वो आप यूज करो तो आपका फोन जो है ओवरहीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौरव सिंह का, बोलते हैं कि प्रॉफिट ऑफ एंड्रॉइड यूजर है फुकट में अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार देखना, अपडेट खत्म होने के बाद भी जो है रूट कर करके उसको अपडेट करते रहना, स्विच करना रॉम्स के बीच में, ओवरक्लॉक करना सीपीयू और जीपीयू को, गेम्स हैक करना और iOS के ऐप्स जो है वो यूज़ करना, पेड ऐप्स जो है वो यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें आईफोन यूजर्स भी कर सकते हैं, जैसे आप रूट करके कर रहे हो एंड्रॉइड के अंदर या फिर ऐसे APK फाइल डाउनलोड करके, आईफोन वाले भी जेल ब्रेक करके ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद ये जो चीज़ें आप कर रहे हो फ्री में ये एप्लीकेशन APK मॉडेड फाइल्स, उसमें अगर वायरस आ गया, मैलवेयर आ गया, स्पाइवेयर आ गया, तो आपका डेटा भी मस्त से जो है पीछे से चोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंशु कौशल का, ये बोलते हैं यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू टेल क्लियरली अबाउट प्रमोशन विच यू हैव डन इन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। एक्चुअली दो इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस डाला हूं जो लेटेस्ट है अभी वीवो के फोन के, तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं, और मैंने स्टोरी में बता दिया था कि भाई एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, क्योंकि मैं एक्चुअली में नहीं चाहता हूं कि आप जाके वो फोन खरीदे, वो मुझे पैसे मिले थे इसलिए मैंने जो है वो वाला वीडियो कर दिया, और एक मिनट का वीडियो था जिससे कोई भी कन्विंस नहीं होना था, मुझे ऐसा लगा कि उसमें कोई हार्म नहीं है इसलिए मैंने किया। तो बोल रहे ये आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो द मनी यू हैव चार्ज फ्रॉम दैट मोबाइल ब्रांड। देखो अंशु ये चीज़ जो होती है ये चीज़ आपको मैं कभी भी नहीं बता सकता, इनफैक्ट मैं अपने कोई फेलो यूट्यूबर को भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो भी डील हुई है वो ब्रांड और मेरे बीच में हुई है, और अगर मैं वो चीज़ आप लोग को बताता हूँ तो मैं बहुत ही गलत करता हूँ। कभी भी कोई डील ऐसी होती है तो कभी भी किसी के सामने वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। यूट्यूब का जो अर्निंग होती है वो थोड़ी बहुत हम लोग आइडिया दे देते हैं, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ऐसे कोई ब्रांड पैसे देता है तो फिर उनका जो पैसा हमको दिया है वो बताना गलत है, क्योंकि किसी को ज़्यादा देते हैं किसी को कम करते हैं तो नेगोशिएट करते हैं, और वो चीज़ बताने के लिए वो लोग मना भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पोपट किशन का, ये बोलते हैं कि OnePlus 7T Pro मैक्लेरन एडिशन वर्सेस आईफोन 11 इन 60K बजट, OnePlus 7 Pro वर्सेस आईफोन 10R 45K बजट। देखो अगर आपका 45K का बजट है तो 10R के लिए चले जाओ, अगर आपका 60,000 का बजट है तो 11 के लिए चले जाओ, लॉन्ग टर्म चलने वाले फोन से बहुत ही अच्छी कैमरा क्वालिटी है, मैक्लेरन सब चूना लगाने के लिए आपको जो है ये ब्रांड निकालते हैं, और ये प्रो वाले जो मॉडल्स है OnePlus 7 के इसके लिए तो कभी भी मत जाना, जाना है तो रेगुलर मॉडल्स के लिए जाओ। अगला क्वेश्चन है कोडीवियर का, बोलते मुझे आईफोन की सिक्योरिटी बहुत पसंद है लेकिन एक प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है, गूगल ड्राइव जब यूज़ करते हैं उन्होंने गूगल ड्राइव में कुछ जो है चीज़ें रखी थी, बाद में उनका दिल नहीं किया यूज़ करने का, तो गूगल ड्राइव का अकाउंट जो है उन्होंने वहाँ पे साइन आउट कर दिया, तो गूगल अकाउंट भी उनका साइन आउट हो गया, यूट्यूब अकाउंट भी साइन आउट हो गया, फिर जब उन्होंने यहाँ पे यूट्यूब के लिए साइन इन किया तो वहाँ पे गूगल ड्राइव में भी साइन इन हो जाता है, तो ये क्या मसला है? देखो आपका जो जीमेल आईडी होता है जब आप उसको बनाते हो तो आपका जो गूगल ड्राइव है उसके साथ वो चीज़ फ्री में आती है, तो जब आप एक जगह साइन इन करेंगे तो सब जगह साइन इन हो जाएगा, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो iOS हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुदस्सर का, बोलते एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स 2 में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा है? ऑब्वियसली एयरपॉड्स 2 है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, तो आपके पैसे के लिए ज़्यादा वैल्यू
वो प्रोवाइड करता है क्योंकि सारी चीज़ें उसमें हैं। और प्रो की अगर आपको ज़रूरत है वो नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिव वाला, तो आप उसके लिए जा सकते हो। बोलते सेकेंड हैंड मिले तो लेना चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से सेकेंड हैंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी के कान में होता है तो कान की जो वैक्स होती है, मैल होती है, वो सब उसको लग जाती है, इतना हाइजीनिक नहीं होता। आगे आपकी मर्ज़ी। अगला क्वेश्चन है जय सिंह फुटेला का, ये बोलते हैं एंड्रॉयड में सैमसंग का S10 Lite और Note 10 Lite में बेस्ट ऑप्शन क्या है। S10 Lite ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उसमें Snapdragon 855 मिलेगा और Note 10 Lite में आपको Exynos मिलेगा पुराना वाला, जो कि इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों हमारे Q&A का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है हैकिंग से रिलेटेड। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि मेरा चैनल जो है कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली मेरा चैनल तो वहाँ पे हैक नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग के चैनल हैक हो गए। पहले मुझे लगा था कि शायद हैकर होगा, नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो हैकर ही निकला। और मेरा जो वीडियो है वो हैकिंग वाला, जिसने मैंने बताया कि कोई मेरा चैनल हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप नीचे कमेंट्स में पढ़ेंगे तो बहुत लोग ने लिखा है कि भाई तुम्हारा वीडियो देखे हम बच गए, हमको भी वही स्पॉन्सरशिप का ईमेल आया। और बहुत लोग के हैक भी हो गए, जिनका हैक हुआ उसमें से एक दो बंदों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, जिसके बेचारे के 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो यहाँ पे अजय बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले एक चैनल हैक किया है किसी ने, जिसका नाम है जोकर अयान। ये चैनल पे 1 मिलियन व्यूज़ थे और ये भी जो है आईफोन इस्तेमाल करते, तो इनका चैनल जो हैक हो गया। तो पूरी उसमें बात बताइए कि एक्चुअली क्या हुआ, आजकल बहुत अकाउंट हैक हो रहे हैं। देखो ये जो जोकर अयान है, इनका 1 मिलियन सब्सक्राइब वाला चैनल था, मुझे भी पता है, और ये उसी हैकर ने हैक किया है। अब ये जो बंदा है जोकर अयान या कोई भी जिसका चैनल हैक होता है, इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जो है मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पूरी सिंपथी है उनके साथ। चैनल हैक होना मतलब क्या है, सालों की मेहनत होती है, वो भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल हैक होना मतलब आदमी का दिल दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, एकदम दिल टूट जाएगा, उसका हार्ट ब्रोकन हो जाएगा। और मेरा पूरा जो है उसके साथ सपोर्ट है कि भाई हाँ बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग कभी सच नहीं बताते आके कि कैसे इनका चैनल हैक हुआ। अगर वो बता दे कि भाई मुझे ऐसा स्पॉन्सरशिप ईमेल आया था, मैंने जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया अपने पीसी पे, उसको इंस्टॉल किया और मेरा चैनल हैक हो गया, तो कितने लोगों के चैनल उससे बच सकते हैं। तो ये लोगों का क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता, ये यूट्यूबर्स का, ये लोग क्यों नहीं बताते कि किस तरीके से इनका चैनल हैक हुआ। एग्जैक्टली बोल देंगे तो क्या होने वाला है, वो कंपनी वाला क्या, वो हैकर आके तुम्हारे पे केस करने वाला है या क्या होगा, मुझे पता नहीं है इसका रीज़न। लेकिन इन लोग ऐसा करते हैं जो कि बहुत गलत है। तो इन लोगों को पहले तो सबसे पहले पब्लिक में आना चाहिए, मेरा चैनल हैक हो गया और ये रीज़न से मेरा चैनल हैक हो गया, मैंने एक स्पॉन्सरशिप का ईमेल एक्सेप्ट किया था, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और हैकर ने मेरा चैनल हैक कर दिया। इसको बताने से बहुत लोग की हेल्प हो जाएगी, बहुत लोग के चैनल हैक होने से बच जाएंगे। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A, उम्मीद करता हूँ आपको आज का Q&A पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।